हेलो फ्रेंड्स, टेक्स्ट एनालिसिस में आगे चलते हैं वर्ड क्लाउड 2 में। वर्ड क्लाउड 2 वर्ड क्लाउड से थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसमें हमें वर्ड क्लाउड देखिए टेक्स्ट के ऊपर काम करता था और वर्ड क्लाउड 2 हमेशा एक्सेक्स, व्हाट इज़ एक्सेक्स, फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी थी क्यूडेप को यूज़ करके मैंने इस फ्रीक्वेंसी को एक्सेक्स में दे लिया, इस एक्सेक्स को मैं वर्ड क्लाउड में यूज़ करने वाला हूँ, राइट। तो ये हमने वर्ड क्लाउड देख लिए थे, अब हम आते हैं वर्ड क्लाउड 2 पे, जो कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल, ज़्यादा कलरफुल ऐसा बनता है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक बार यहाँ देखिए, मेरे एनवायरनमेंट में अभी टी है। टी मैंने यहाँ ऊपर बनाया था, जो टॉप 200 वर्ड्स थे ना क्यूडेप डिक्शनरी के, वो डाले थे ताकि उसको रिमूव कर सकें। बाकी तो एक्स ही चल रहा है मेरे पास। एक्स एक बार देख लें, एक्स हमारा ये है और कुछ 6-7 हज़ार शायद वर्ड्स थे, दोबारा चेक कर लें, 7 हज़ार वर्ड्स थे, करेक्ट। अब मैं बनाता हूँ एक्स एक्स और चेक करें एक्स एक्स क्या है, नॉट देयर। एक्स एक्स हमारा आ गया, कौन सा वर्ड्स कितनी बार आ रहा है, ठीक है। और मैंने लिखा है यहाँ पे टॉप फाइव, टॉप फाइव ना करें इसको, बल्कि हटा ही देते हैं, लंबी लिस्ट कर लेते हैं। और एक्सटेंड इज इक्वल टू ट्रू, इसको सारे को ही हटा देता हूँ, मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ इसकी। ओके, एक्स एक्स आ गया। अब मैं चलता हूँ वर्ड क्लाउड में। अच्छा, सबसे पहले तो वर्ड क्लाउड बनता है प्लॉट्स में, वर्ड क्लाउड 2 बनता है व्यूअर में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, प्लॉट्स में रहते हैं कि आए नहीं आउटपुट, कहाँ गया, वर्ड क्लाउड 2 व्यूअर में आएगा, अपने आप आना चाहिए, नहीं हम चलेंगे। तो मैंने लिखा वर्ड क्लाउड डाटा इज इक्वल टू एक्स एक्स मिनिमम साइज 10, देखते हैं करके कंट्रोल एंटर। हाँ, इसके लिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ऊपर वर्ड क्लाउड 2 को रिक्वायर जरूर करना है आपने। ओके, ये हमारा आ गया वर्ड क्लाउड 2, जो ज़्यादा बड़े वर्ड्स हैं उनको हमने लिया है, उसमें से इंडिया सबसे बड़ा है, फिर फ्रेंड्स है, फिर गवर्नमेंट है, फिर ये है, ठीक है। अब देखिए प्लॉट्स में आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा मैशअप हो रहा था, क्योंकि मैंने इनको भी बोला, ओब्वियसली आप वर्ड क्लाउड के अंदर भी लिमिट कर सकते हैं, इसको ना दिखाएं 10 से बड़े फ्रीक्वेंसी का, पर यहाँ पे वर्ड क्लाउड 2 थोड़ा सा ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा फैंटास्टिक आता है, फोर्स इज नथिंग एक्सेट्रा। डाटा को ले चलने के लिए वही आप यहाँ से कॉपी करें और पेस्ट, जैसे यहाँ पर आ गया है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जिसकी ये देखी मैंने, आर का कलर और एमएस ऑफिस का कलर में थोड़ा सा फ़र्क है, सरप्राइजिंगली। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, अब आप ये देखो यहाँ इंडिया का कलर और यहाँ इंडिया का कलर, उसके अंदर भी ये अपने आप ही चेंज हो गया है। तो कई बार आपको सेट सीड करना पड़ेगा ताकि एक ही आउटपुट रहे। खैर, यहाँ पर आउटपुट उतना मैटर नहीं करता, लेकिन सेट सीड का मतलब होता है एक ही आउटपुट रहे। और कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे, मैं आपको अभी कलर दिखा रहा था, ये कलर भी रैंडमली उठा रहा है, तो यहाँ का कलर यहाँ से चेंज हो गया। और जब आप इसमें लेके जाएंगे तो जैसे पेस्ट कर लूँ मैं इसे, कॉपी प्लॉट दोबारा, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, जिसको ओब्वियसली आप बाद में, और ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा, दोबारा करते हैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है, कॉपी प्लॉट, और यहाँ पे पेस्ट कर दें। और वो आपको पता ही है कि आप इसको क्रॉप वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉप आप देख लीजिएगा। सो दिस वाज अबाउट द वर्ड क्लाउड 2। तो हम अभी अपने एनालिसिस के ऊपर जो आ रहे हैं, तो हमने तीन तरह की एनालिसिस कर ली है, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, वर्ड क्लाउड एंड वर्ड क्लाउड 2। सो लेट्स स्टॉप हेयर, आगे फिर सेंटिमेंट एनालिसिस की बात करेंगे। थैंक यू।